हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम नया ट्रिक से अंडा करी बनाएंगे। चटपट से बनाने वाली और इजी एंड डिलीशियस एग करी है। तो शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी, एग करी, अंडा करी। इस करी में हम नारियल का यूज ना करेंगे, बट द मसाला टेक्सचर विल बी सेम लाइक नारियल वाला करी। लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। पहला प्रोसेस में हम मसाला पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ मिक्सर जार लिया है, उसमें 4 रफली चॉप किया हुआ टमाटर और 3 हरी मिर्च। मैंने यहाँ स्पाइसी वाला लिया है, आपको चाहिए तो नॉन स्पाइसी भी ले सकते हैं। 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और उसी के साथ 1 टेबलस्पून कोरिएंडर स्टेम, दैट इज धनिया का स्टेम, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, डिपेंड ऑन द स्पाइसी आप किसे चाहिए वैसे इसे 1 टीस्पून में ले सकते हैं। और 3 टेबलस्पून दही, साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसी के साथ 1 टेबलस्पून तेल डाल के वेजिटेबल ऑयल स्मूथ मसाला पेस्ट बना के साइड में रख देंगे। अब चलते हैं दूसरा वाला प्रोसेस में। यहाँ मैंने 6 अंडे लिए हैं। ये अंडे को हम मसाला मिक्स करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून तेल, उसमें एग डालेंगे और साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च एंड नमक डाल के हल्का सा टॉस कर लेंगे मसाला मिक्स होने तक, और लो फ्लेम में 2 मिनट तक रख के इसे साइड में रख देंगे। हम ग्रेवी बनाने का प्रोसेस में चलेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लिया है, उसमें 1 तेज पत्ता और 1 सिनेमन स्टिक, साथ में 1 टेबलस्पून जीरा डाल के 2 मिनट तक रख लेंगे। उसी में 3 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल के 5 सेकंड्स तक इसको भून लेंगे। उसी के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के प्याज को मॉइस्ट होने तक, कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। प्याज का कलर तो चेंज हुआ है, अब हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला पेस्ट। ग्रेवी को प्याज के साथ मिलाने के बाद इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद हम ग्रेवी को कवर कर लेंगे और 2-3 मिनट तक एक उबाल आने तक मीडियम फ्लेम में इसको कुक करने दीजिए। इट इज ऑलमोस्ट डन। अब हम डालेंगे 1 कप पानी। प्याज के वजह से ये ग्रेवी बहुत ही थिक बनती है। इनकेस आपको पतला ग्रेवी चाहिए तो आप 2 कप पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई रखिए। उसके बाद एक उबाल आने तक इसको अच्छे से कुक होने दीजिए। उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ में रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। अब हम डालेंगे ग्रेवी में एग, मसाले के साथ टॉस करके रखा हुआ एग हम 1 by 1 डाल देंगे। एग्स डालने के बाद इसे हल्का सा मिलाएंगे और हाई फ्लेम में एक उबाल आने तक हम ग्रेवी को पकाने के लिए छोड़ देंगे। साथ में धनिया पत्ता डाल के ग्रेवी को गार्निश कर देंगे। ये हमारा एग करी तैयार हुआ है। झटपट से बनाने वाले सिंपल मेथड के साथ इजी एंड डिलीशियस और टेस्टी भी है। ज़रूर इसे ट्राई करिए और आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आई रहेगी, और आपको वीडियो पसंद आई और यूजफुल हुआ तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।